बनाने लगी थी आलू मटर की सब्जी और गैस नहीं है, मैंने सोचा सब्जी तैयार करके रख देती हूँ तो फिर मैं जब गैस आ जाएगी तो पका लूँगी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, गैस का बहुत मसला है। अभी मैंने सुबह से दूध मंगवाया है, गैस नहीं है, दूध बच्चों का गर्म नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत दे, अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद की नेमत से नवाजे, अल्लाह पाक आप लोगों को इतना दे कि कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की व्लॉग का आगाज करते हैं और छोटी सी रिक्वेस्ट। तो आज की व्लॉग का आगाज कर, बनाने लगी थी आलू मटर की सब्जी और गैस नहीं है, मैंने सोचा सब्जी तैयार करके रख देती हूँ तो फिर मैं जब गैस आ जाएगी तो पका लूँगी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, गैस का बहुत मसला है। अभी मैंने सुबह से दूध मंगवाया है, गैस नहीं है, दूध बच्चों को गर्म नहीं किया है, पड़ा हुआ है। अभी जब गैस आएगी तो गर्म करेंगे, उससे पहले तो फिर कुछ नहीं कर सकते। गैस आएगी तो यहाँ पर लकड़ियों का बंदोबस्त भी नहीं है ना, तो आलू मैंने छील लिए हैं, इंशाल्लाह अभी गैस आती है तो पका लेते हैं आलू भी। आलू सब्जी बनाएंगे ना, आलू मटर की सब्जी और क्या कहते हैं इसको, दूध भी गर्म कर लूँगी। मटर की सब्जी भी मैंने बना ली थी, मटर निकाल लिए थे, ये तो मैंने कल ही निकाल लिए थे क्योंकि क्या कहते हैं उसको, मैंने कल चावल बनाए थे मटर वाले, तो सब्जी मैंने पहले से ही मटर की निकाल के रखी थी। आलू हो गए हैं, दो आलू काफ़ी हैं, मटर निकाले हुए, बाकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बस दो एक रख देती हूँ। टमाटर भी एक, ये धोने वाला ऊपर बहुत नरम हो गया, ऊपर रखे हुए थे, फ्रिज नहीं है ना ऊपर, तो मैंने नीचे से मंगवा के ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं और इंतज़ार हो रहा है गैस का कि कब गैस आए। वो गैस जो है वो भी बहुत नखरे वाली है, अभी आएगी अपनी मर्जी से तो कुछ बनेगा, वरना ऐसे पड़ा रहेगा सब कुछ। काम वाम तो मैंने कर लिया था, बस ये खाना वाना है, इसकी थोड़ी सी देर हो जाती है। यहाँ पे ऊपर मचान बनी हुई, इधर पीछे सारा सामान रखा होता है जो कि किचन का होता है ना, जो ज़रूरत का नहीं होता वो वहाँ पे रख देते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने कल जो धोया था वो मैंने इधर लगा दिया है, ये कल मैंने धोई थी टोकरी, साफ़ सुथरी हुई पड़ी है, तो इसमें मैंने बर्तन वर्तन लगा दिए हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर रखे हुए हैं, अभी कोई इतना बंदोबस्त नहीं है, ये भी मैंने धो दिए थे, ये बहुत गंदे हो गए थे। तो ये आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और मटर बना दिए, निकाल लिए। जी जान, ये घोड़ा उल्टा लटका हुआ है और ये सारा दिन इधर रहता है, ये मेरा लड़का है। क्या हुआ, क्या दिखाओ मुँह, इतना प्यारा मुँह है इसका, इसने ना मट्टी डाल दी यहाँ पे, गमलों के साथ खेलते हैं ये, मट्टी फिर डाल देते हैं। चलो ये सारा दिन नीचे रहता है, चलो चलो नीचे वाला कमरा है जो देवरानी का, इस तरह से सजाया हुआ। मेरा कमरा तो आप लोगों ने देखा है, ये भी देवरानी का। चलो तो ये ज़्यादा नीचे रहते दादी के पास, चलो 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 क्या करो, किसकी वीडियो बनाओ? तो आप कुछ बोलो भी ना, बोलते मेरी वीडियो बनाओ, वीडियो तो बना देती हूँ, आप कुछ बोलो। गमला इसने अपने सर में, इसने और एक दूसरे के सर में मट्टी डालते हैं, ये मट्टी डाली हुई है इन्होंने। चलो यहाँ आ जाओ ऊपर, कपड़े धोए थे मैंने अपने बच्चों के, तो साथ के साथ धोती हूँ। एयर कूलर पड़ा हुआ है, मशीन पड़ी हुई है लेकिन ना हाथ से धोती। मेरा कमरा ऐसे ही बिस्तरा पड़ा है, अभी करूँगी सफाई, अब इनको
सफाई सिर्फ कमरे की नहीं की, बाकी सारी कर ली है। इनके लिए मैंने बनाए हैं आलू के चिप्स, इसने इसको मैंने 3 दिए हैं और उसने मुंह में डाल लिए। अभी दोबारा इसको देख, मोहम्मद कंजूस कैसे दे रहा है इसको एक एक। और मोहम्मद नीचे बैठो खाओ। इनके लिए मैंने बनाई है आलू की चिप्स और खाएंगे ये दोनों, और मैं काम कर लूँगी तब तक। बेसन की टूटी लगवाएंगे, निकाल दिए बच्चों ने, ये ऊपर रख दी थी यहाँ पे। अभी ये हस्बैंड आएंगे ना हफ्ते को तो लगवाऊंगी। चलें जी देखते हैं गैस आई है नहीं आई, अल्लाह करे तो आ जाए। नहीं भाई गैस नहीं आई, आती तो इसमें से आवाज़ ज़रूर आती, दूध पड़ा हुआ है कच्चा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाजमी बताया करें, मुझे कमेंट्स करके तो लाजमी बताया करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। मज़ीद आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट आप लोग बहुत कम कर देते हैं बीच में, या शायद मेरा भी थोड़ा कसूर है क्योंकि मेरा यकदम से गांव से फिर शहर आ गई हूँ ना, और है तो ये भी गांव लेकिन शहर के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे गांव वाला सिस्टम नहीं है, और ये वैसे भी वहाँ पे मैं पंजाब में थी, यहाँ पे मैं सिंध में, उस वजह से थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा हो गया, पर इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी वीडियो दिखाती हूँ, और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते रहें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत दे, अल्लाह पाक आप लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दे, अल्लाह पाक हर एक की औलाद पे रहम करें, माँ बाप पे अल्लाह पाक रहम करें, अल्लाह पाक मेरी माँ को भी शिफाए कामिल अता फरमाए, तो अल्लाह पाक हर एक बीमार को सेहत दे। खुदा हाफिज़।